Amanda! Hòstia... Valkyr! Valkyr, esco! नहीं वो सब ठीक है, लेकिन जो तूने देखा है वो बता यार। जो मैंने देखा है ना, देखो भाई, जो अभी तूने रिक्शा वाला सीन बताया था यार, देखो वो रिक्शा वाला मैंने आपको बताया था, मगर ये कॉन्फिडेंशियल है, मैं नहीं कर सकता ना यार। मैं किसी के साथ रिक्शा में जा रहा था, ठीक है। अब मैं ना नाम उठाऊंगा ना वो सारी कहानी बताऊंगा, ठीक है, मगर ऐसे कॉमन बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक इलाका था बड़ा सुनसान सा कासमाबाद में, वहां से हम गुजर रहे थे, तो एक बंदे ने हाथ दिया था, और उस बंदे के अंदर आई थिंक कोई शीशे की फैक्ट्री जैसे होती है ना, वैसी स्मेल आ रही थी। तो फिर हमारे साथ कोई अच्छा बंदा बैठा हुआ था जिसको ये सारी चीजों का इल्म था, तो उन्होंने बोला कि डरना नहीं, नीचे उतरो और मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये लोग हैं क्या, ये कौन सी मखलूक है। तो उनकी जो पिंकी होती है राइट हैंड की, राइट हैंड की छोटी वाली उंगली, छोटी वाली पिंकी यानी ये, इसको बोलते हैं, उसको कस के पकड़ा था। और वो जो यानी ओरिजिनल जो शक्ल थी वो अपनी शक्ल में आ गई। तूने वो शक्ल देखी? मैंने शक्ल देखी थी। वो शक्ल कैसी थी? उसकी आंखें हमारी ऐसे हैं, उनकी स्ट्रेट थी, अच्छा ठीक है। और ये दो जो हमारे पास हैं नाक, नाक के सुराख जो है, ठीक है, नाक के जो नॉस्ट्रिल्स बने हुए जो सुराख, ठीक है, वो दो नहीं थे, ठीक है। और फोर उंगलियां थी, अंगूठा नहीं था, ठीक है। और वो जो लिप्स बता रहा था, लिप्स कैसे थे? हाँ, लिप्स तो यानी हमारे बाहर निकले हुए, उनके लिप्स स्ट्रेट था जैसे फेस होता, ठीक है। और दांत? दांत तो दो थे उनके जो मैंने देखे थे। दांत किस तरफ से वो? हाँ, दांत वो कौन से वाले थे? ऊपर दो, अच्छा, मतलब वो गोश्त खाने वाले दांत नहीं थे, वो ऐसे थे जैसे नहीं, ऐसे कॉमन, वो जो बच्चे के पैदाइश के दौरान दांत, छोटा बच्चा होता है, दो ढाई साल का, ना बट दांत होते हैं ना नहीं होते ऐसे, मतलब वो वाले। और प्लस में उसके पास जो हमारी ये आईब्रोज है नहीं थी, उनके पास आईब्रोज नहीं थी, मतलब उसे सिर्फ उस बंदे ने उसकी पिंकी वाली फिंगर पकड़ी है जोर से जी, सीधे हाथ की, तो वो अपनी असल शक्ल में आ गया जी। और असल शक्ल में आने के बाद उसने क्या किया? चीखा, चिल्लाया, या सो गया, या रो गया? और उन्होंने बोला भाई मुझसे गलती होगी, आप जो भी हो बस मुझे छोड़ दो, मैं आपको तंग करने नहीं आया था, बस मुझे किसी जगह तक पहुंचना था, तो मैंने आपका सहारा लिया था। तो उस बंदे ने उनको बोला था नहीं, ये बात को ऐसी कुछ भी नहीं है, आपको जो है ना वो यानी कि तुम तंग करने के लिए आए थे, अब तुम फंस गए हो तो तुम ये कहानियां बता रहे हो बेसिकली। मगर वो उस लैंग्वेज में थी जो हमें समझ में नहीं आ रही थी उस वक्त। अच्छा, लैंग्वेज उसकी कोई खुद जाने। अच्छा, आप जब उससे अपनी लैंग्वेज में जैसे सिंधी में आप बात कर रहे थे, तो वो आपसे आपको उसका रिप्लाई नहीं कर रहा था? नहीं, हमें रिप्लाई नहीं कर रहा था। और वो उससे जो उस बंदे ने जिससे जब उसकी उंगली पकड़ी थी, तो उससे किस लैंग्वेज में बात कर रहा था? अब वो पता नहीं कौन सी लैंग्वेज थी, लेकिन वो उसकी वो लैंग्वेज समझ रहा था, वो समझ रहा था लैंग्वेज उसकी। ओके, फिर तुम लोग बच गए खैर से? हम तो बच गए, अभी तो जिंदा हूँ, तभी तो आ गए तुम। और मैंने सुना था आपने स्टोरी में ये भी बताया था कि आपके साथ फिर क्या हुआ था, वो बताओ। हाँ, वो जो मेरी फटी थी ना वो 3 महीने, उसमें क्या हुआ था? 3 महीने? 3 महीने यार, मुझे मेरा बुखार ही जा रहा था और मसला कुछ भी नहीं था। अच्छा, ऐसा मतलब सीन होता है, कहते हैं कि जब जिन्नात की हाजिरी होती है दिखने में आता है तो बुखार हो जाता है। आशी, याद है मैंने आपको यही बताया था कि मुझे 102-103 बुखार हो गया था, उसके बाद कि मैंने आके बर्फ का पानी अपने ऊपर उंडेला था। हाँ हाँ हाँ। और 2-3 दिन में बुखार में ही पड़ा रहा। हाँ हाँ। तो ये सही कह रहा है, इसी तरह से होता है। और बेसिकली मसला ये कि वो मेरा एक बचपना था, तो साइकोलॉजिकल वो बेसिकल था कि अब वो दिमाग से वो चीज निकलेगी ना। हाँ। तो फिर आगे बंदा आगे बढ़ेगा, वन अदरवाइज तो वो उसी सेंस में था। तो भाई अब ऐसे है सीन के आज का जो हम व्लॉग है, दोस्त ने हमें कमेंट किया था कि कोई प्रूफ नहीं है, कोई ऑथेंटिक चीज नहीं है जिससे हम रजिस्टर कर सके कि हाँ भाई ये जिन्नात की कहानियां असली हैं या नकली हैं। तो आज डॉक्टर काशिफ साहब, जरा अपना चेहरा दिखाइएगा। काशिफ साहब आज ये सीन करने जा रहे हैं। अब ऐसे है कि हम यहाँ पर रूम में ये बैठा हुआ मैं बैठा हूँ, जाऊ पीछे बैठा हुआ है, और एक दो दोस्त है वहां बैठे हुए, मैं आपको दिखा देता हूँ फिर भी। तो वो दोस्त एक उन कोनों में दो बैठे हुए, वो कहते हैं कि हम इस महफिल से आउट है, तो भले वो आउट रहे, डजंट मेक एनी डिफरेंस।
अब हम करने जा रहे हैं प्रोग्राम को स्टार्ट और देखते हैं कि कुछ हो सकता है नहीं हो सकता है। डॉक्टर काशिफ, अकील भट्टी, अकील ने भी बहुत सारे ऐसे विजुलाइज किए हैं चीज़ें जिन्नात के बारे में, इसने भी विजुलाइज किए, मेरी जिंदगी में कभी नहीं किए, तो मैं चाहता हूँ कि आज मैं विजुलाइज करूँ, तो देखते हैं कि ये सिर्फ टोपी ड्रामा है या कुछ हो भी सकता है। कुछ नहीं होगा, तू बैठा रहे कोने में, तेरे तरफ नहीं है कुछ भी, कुछ नहीं होगा, तू बैठ जा चुप करके, तेरे को कुछ नहीं होगा, मैं बैठा हूँ, ये सर बचपन से इनकी बातें सुन रहे हैं। चलो भाई लेट्स स्टार्ट द गेम, लेट्स स्टार्ट द गेम। तूने भी देखा कभी जिंदगी में? तो भाई फराज दरेशानी ने भी कुछ देखा है जिंदगी में, लेकिन मैंने नहीं देखा है। तो फराज दरेशानी गेम से आउट है, वो डरावा है कि भाई कुछ ऐसे हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, लेकिन मैंने आज तक नहीं देखा है, तो इंशाल्लाह ताला वो हाजरी दिठिया मैंने नहीं देखी है, आज मैं देखना चाहता हूँ। तेरे जा दो मुगे वंजंडियो। चलो भाई लेट्स स्टार्ट द गेम। अल्लाह हम शैतान जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सिर्फ ड्रामेबाजी है, कुछ भी नहीं है, बिलीव मी, ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के तरीके होते हैं। आप अगर कहीं भी जाओगे ना, वो जो नहीं जंतर मंतर निकालने वाले होते हैं, अबे यार लाइट ऑन कर दे। तूने उसको भगा दिया। लाइट की मज कर दी तूने यार। क्या था? कुछ भी नहीं है भाई, मैं क्या कह रहा हूँ, ये सिर्फ टोपी ड्रामे करता है, ये सिर्फ ड्रामे हैं, कुछ भी नहीं है, बिलीव मी। आप जाते हैं ना बाबाओं शबाओं के पास और कहते हैं कि भाई सुबह ये बाबा जादू निकाल देगा, ताबीज हो जाए, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, कुछ भी नहीं। ये देखें
यार सारा मजाक चल रहा है, जाओ भाई हंस में पूरे, ये अकील भाई भी हंस रहे हैं, ये डॉक्टर काशिफ साहब भी हंस रहे हैं, भाई कुछ नहीं होता, सब सब बकवास है। और ये लफा भी देख रहा है, ये बच्चा नहीं भागा ऊपर ऊपर दौड़ा रहा है, भागा तो ये भागा, इधर आ बैठ जा, तेरे को जब इशारा भी दिया था बैठ जा लाइट में आ जा, जब तेरे को मैंने इशारा भी दिया था कि कुछ नहीं होगा, यहाँ पे वो चीखे मार रहा है, तू वहां से भागा है, भाई कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। एक बात है, हम खड्डा मार्केट में फेस फाइव में बैठते हैं, उधर मैं अकेला नहीं था, पूरा एक ग्रुप बैठता है हमारा, और होटल है बिल्कुल बीच में, ठीक है, उधर हम बैठे हुए थे और जो करते हैं सब चाय पी रहे थे, तो एकदम बराबर में एक बिल्डिंग है उसके नीचे एक रेस्टोरेंट भी है, उधर से एक बंदे की आवाज आई थी और इतनी तेज थी ना वो कि वो मैं नीचे सुनाई दे रही थी, वो अच्छा। भारी आवाज टाइप होती है, तो एक रिसेंटली मैंने ये केस देखा था हमने, तो अब आवाज तो कोई मार सके, यहाँ खड़े होकर मैं आवाज मार ऐसी टाइप आवाज थी, पर जितने सारे 20-30 लड़के बैठे हुए थे उन सबकी जो है ना बोलती बंद हो गई, अच्छा आवाज खौफनाक थी, बस वो एक 5 सेकंड के लिए आई होगी और फिर गायब हो गई थी। एक और था शारा फैसल, जहाँ पर एंड होती है, पहले पर है, पहले तू खुल नहीं रहा था, अब तू रुक नहीं रहा है, वहाँ पर है, उस एरिया को डिस्कस नहीं करना, बता रहा हूँ वहाँ पर है, छोड़े चल बता बता, नहीं बता रहा नहीं बता रहा, चले छोड़े भाई बोल रहे हैं, सीरियसली आशी नहीं बता रहा हूँ, भाई मेरे ख्याल से आ गई, ये देखो धुआं निकल रहा है, ओह माय गॉड, लाइट भी आ गई यार, लाइट भी आ चुकी है, तू बच गया फराज, वो जगह मैंने फील की थी रात को 1 बजे की थी, एक से आशी वहां से रात को 1:30 बजे तक एक दुल्हन गुजरती है, खासा रोड की बात कर रहा है, लाल कपड़ों में दुल्हन होती है, ये मैंने अभी और वहां से गुजरती है वो, ठीक है, और वो लोगों को रोकती है, नहीं मुझे रोका नहीं था, मैं बाइक पे यूं जा रहा था, मुझे सामने बिल्डिंग में एक बिल्डिंग है उधर, वो खाली पड़ी है बहुत टाइम से, और वहां पर ही है वो, उस बिल्डिंग में मुझे एक लड़की फील हुई थी, एक झलक फील हुई थी और मैं सीधा चला गया, क्या देखा तूने, लड़की देखी थी खूबसूरत, खूबसूरत लड़की देखी, ये तो दुल्हन बता रहा है या कैसी थी, मैं यूं जा रहा था ना बाइक, कराची में ट्रैफिक चलती है रात के 1 बजे, मैं यूं जाते हुए सिर्फ 1 सेकंड की मेरी यूं नजर पड़ी थी और इधर मैंने एक लड़की फील की थी, तो मैं एकदम से सीधा हो गया यार, वो अच्छी लड़की थी, थोड़ी सी पारत करो, बगैर शादीशुदा मत हो, अगर नहीं यकीन आता तो आप नहीं, जगह नहीं पता, ये है। वो बिल्डिंग काफी टाइम से खाली पड़ी, बता कौन सी बिल्डिंग है, नहीं फराज आपने बहुत नंबर लेके आए, आशी आपने देखी है, वो वहां पर है और उस पर काफी प्रोग्राम हो चुके हैं, ठीक है, और एक बड़ा मशहूर प्रोग्राम चल रहा है अभी टीवी पर भी, और उन्होंने भी उस जगह को एक्सप्लोर किया था, ठीक है, और वहाँ पर एक औरत है, एक लड़की है, जो रात को 1:30 बजे से 1 बजे के बाद, वो रोड जब सन्नाटा हो जाता है, डालमिया का रोड कहलाता है वो, बेसिकली कारसाज डालमिया वाला रोड है, और वहाँ पर रात को औरत निकलती है, दूसरी जगह मैं दूसरी जगह की बात कर रहा हूँ, शारा फैसल जहाँ पर एंड होती है ना, जहाँ मूव एंड पिक का सिग्नल आता है, इस तरफ जाएंगे 3 तलवार आता है, इस तरफ बोलेंगे सदर आता है, इधर एक बिल्डिंग है जो खाली पड़ी हुई है, काली पड़ी हुई है, कोने वाली, उस बिल्डिंग की ऊपर 4-5 मंजिल है, शीशे नहीं है उस पूरी बिल्डिंग में, उसमें मैंने ऊपर लड़की फील की थी, और फील ही एक बहुत होती है, उस फील में ही मेरी फट गई, यार नेक्स्ट टाइम जाना, कांटेक्ट नंबर ले आना, बैठे हुए कौन से जिन बैठे करते रहे, घर तो बैठे हुए जिन, आपने दोपहर को बोला था भाभी जी, चले चले सर, अच्छा 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 अच्छा, मैं समझ गया, समझ गए ना, समझ गया, मैं ये भाभी को बताऊंगा तू किसको जिन कह रहा था, वो तो भाभी खुद समझ रही है, सब आप लोगों को बताने के लिए था कि भाई ये जो बाबे शाबे होते हैं और ये जो आपके पीर फकीर जिनके पास आप जाते हैं तावीज़ डंडे करवाने के लिए, भाई कोई हाजिरियाँ नहीं होती, कुछ नहीं होता, ना जिन्नों के पास इतना टाइम है कि किसी के अंदर आके वो आपके काम करवाएं, वो इतने फारिग नहीं है, वो अपनी नौकरियां कर रहे हैं अपनी जगह पे, तो लिहाजा ऐसे लोगों से अवॉइड करें जो आपसे पैसे ले रहे हैं, जो आपको लूट रहे हैं और आपको पागल बना रहे हैं। अच्छा कुछ लोग ऐसे भी हैं बगैर मुआवजा काम करते हैं, देखिए बगैर मुआवजा काम करने वाले वो अल्लाह के बंदे होते हैं, अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह उनकी दुआ पूरी करता है, आप ऐसे बन जाएं आपकी भी दुआएं पूरी होंगी, लोग आपके पास भी आएंगे। यार एक सीक्रेट बताऊं, हाँ इसने जब एक लड़की के नाम बोला था ना, हाँ तब इसका साइकोलॉजिकल जो किल था ना, हाँ वो कहीं पूरा हो गया था, है ना,
मैं बोल देता मगर मैं खामोश था। मतलब तेरे पास हाजिरी हुई थी उस वक्त? हुई थी, नहीं मानो यार देख, तू तो कहता है अभी यहाँ पे तो हाजिरी होती नहीं है। तो यही तो बोल रहा था कि ये साइकोलॉजिकल है, कि साइकोलॉजिकल है एग्जैक्टली। मतलब देखे वो क्या होता है, वो कौन सी एक इंडियन मूवी थी जिसमें बाबा लड़की को पकड़ के बोलता है कि तुम्हें आम बहुत पसंद है ना यार, यहाँ पर दुनिया में 90% लोग ऐसे जिनको आम पसंद है। तो ये भी एक साइकोलॉजिकल फैक्टर था कि तेरा लड़की के साथ कोई चक्कर चल रहा है और उस लड़की ने तेरे साथ ऐसे किया, वो बता। यार तुमने तो मेरे को भी जाओ डरा दिया यार, तुमने मेरे को भी डरा दिया अभी इस दफा। तो भाई आज का एक्सपेरिमेंट हमारा ये था, हमारा ये भाई एक्सपेरिमेंट में था, और ये है आपका चीता भाई जो कि नहीं डरा, नहीं डरा, लेकिन आवाज से आप महसूस कर सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा सा असर हुआ था, लेकिन मैं समझ गया था कि ये भाई के साथ ही सीन चल रहा है। कुछ नहीं होता, लाइव पे देख, लाइव पे देख, कुछ नहीं होता, बिलीव में। ये जब होता है ना तो ऐसा होता है जो बाकायदा पता चल जाता है मेरे ख्याल से। यार मेरी बात सुनो, ये तुम तो लोग वीडियो बना के जा रहे हो और रात को तो मुझे यहाँ पे सुन रहे हो, आगे तो फिर कहाँ जाऊँगा। हर चीज का एक टाइम होता है। हाँ सही है। ये चीजें अगर आप किसी के पास जाते हो, किसी बुजुर्ग के पास, बाबा के पास, और कहता है कि जी मेरे ऊपर हाजिरी हो रही है और मैं आपका ये काम करवा दूंगा, वो काम करवा दूंगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। मखलूक है, अपनी जगह पर है। जो मैं स्टोरी सुनाता हूँ वो सच है, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि वो जाके मेरा इनका काम कर देगी। किसी का कोई काम कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ एक ही ज़ात है जो सब कुछ कर सकती है, वो है अल्लाह की ज़ात। मैसेजिकल हमने एक स्टोरी बनाने की कोशिश की थी, तो आई होप कि आप लोगों को ये स्टोरी जरूर पसंद आएगी। इसी के साथ अगर आप लोगों ने हमारा स्टोरी यहाँ तक देख लिया है तो एक लाइक करते हुए जाएगा। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसी के साथ ही आशी डेली व्लॉग्स में से आशी को और हमारी ये पूरी टीम को सिया बाबा अल्लाह हाफिज़।